दोस्तों बिहार के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा राजधानी पटना भी है। केवल खाने पीने से ही नहीं अपने नामों से भी यहाँ का हर मोहल्ला कुछ कहता है। पटना के हर इलाकों के नाम में छिपा है एक इतिहास। वैसे तो किसी भी शहर कस्बे या मोहल्ले के नाम के पीछे उसके बसने की कहानी होती है, एक इतिहास होता है जो उस स्थान की जड़ों की ओर लेकर जाता है। हम और आप इन नामों को सुनते सुनते इतना ज्यादा आदि हो जाते हैं कि कभी ठहर कर उन नामों के पीछे की कहानी जानने की कोशिश भी नहीं कर पाते। पटना के मोहल्लों और प्रखंडों के नामकरण की भी अपनी ही कहानी है। हर नाम एक इतिहास समेटे हुए है। आइए आज बात करते हैं इन्हीं इतिहासों पर। आइए आज बात करते हैं इन्हीं मोहल्लों के नामों पर। जानकारों के अनुसार पटना शब्द पत्तन से बना है। गंगा के बड़े और चौड़े घाटों के कारण यहाँ बड़े बड़े जहाजों से माल ढुलाई होती थी। पत्तन से यह शब्द अपभ्रंश होकर पटना हो गया। वहीं अब यहाँ के एरिया के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा रोचक कहानियां हैं इसके साथ। सबसे पहले बात करें बोरिंग रोड की। पटना के पौश इलाके बोरिंग रोड से आप सब रूबरू होंगे, मगर कभी आपने सोचा है कि इसका नाम बोरिंग रोड क्यों पड़ा? दरअसल पटना की पहली बोरिंग इसी इलाके में हुई थी। एएन कॉलेज के आगे बोरिंग रोड में हुई बोरिंग के नाम पर इसका नाम बोरिंग रोड पड़ गया। दोस्तों बगीचों के नाम से गुलजार बाग और गर्दनी बाग भी बना है। जी हाँ, गुलजार बाग और गर्दनी बाग का नाम यहाँ मौजूद बगीचों के कारण ही पड़ा। ये दोनों ही इलाके बाग के लिए मशहूर थे। इसके अलावा गर्दनी बाग नाम के पीछे एक और भी कहानी है। यह इलाका आदिवासी लोगों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ गर्दनिया नामक आदिवासी रहते थे जो यात्रियों को लूट लिया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ा गर्दनी बाग। दोस्तों अब बात करते हैं छज्जू माली के नाम पर पड़ा छज्जू बाग। जी हाँ, गांधी मैदान के पश्चिम और दक्षिण स्थित छज्जू बाग मोहल्ले का नाम छज्जू माली के नाम पर पड़ा है, जो विशाल बाग बगीचे की देखभाल किया करते थे। इस बगीचे के प्रमुख आम अलीवर्दी और सिराजुद्दौला को भेजा जाता था। इस मोहल्ले में छज्जू शाह का मकबरा आज भी है। वहीं अब बात करते हैं माल सलामी की। जी हाँ, पटना सिटी स्थित चुंगीकर कार्यालय या कारवा सराय के नाम पर जगह का नाम माल सलामी पड़ा। सलामी या टैक्स के रूप में व्यापारियों की अपने माल के बदले एक निश्चित रकम देनी पड़ती थी, जिस वजह से इस मोहल्ले का नाम माल सलामी पड़ा। अब बात करते हैं मखनिया कुआं की। पटना अस्पताल के पास एक मोड़ पर कुआं हुआ करता था, जहां पर एक व्यक्ति प्रतिदिन आकर मक्खन बेचा करता था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम मखनिया कुआं हो गया। अब बात करते हैं खजांची रोड की। पटना कॉलेज और खुदाबख्श लाइब्रेरी के बीच उत्तर की ओर जाने वाली सड़क खजांची रोड के नाम से जानी जाती है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रथम चरण में सरकार को ब्याज पर कर देने वाले धनी व्यक्ति यहां रहा करते थे, जिन्हें खजांची बाबू भी कहा जाता था। इन्हीं लोगों के कारण इस मोहल्ले का नाम खजांची रोड पड़ा था। दोस्तों अब बात करते हैं भीखना पहाड़ी की। पटना कॉलेज के दक्षिण निचली सड़क पर स्थित भीखना पहाड़ी बौद्ध भिक्षुओं का गढ़ हुआ करता था। मौर्य काल में यहाँ बौद्ध मठ थे, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके अलावा भीखना कुंवर देवी एवं भीखना कुंवर नामक एक संत रहा करते थे, जिसके बाद इस मोहल्ले का नाम भीखना पहाड़ी रखा गया था। बात करते हैं रमना रोड की। बौद्ध भिक्षु हरे भरे बाग में टहला करते थे, जिसे रमण के नाम से भी जानते थे। जी हाँ दोस्तों, पीरबहोर मोहल्ला की बात करें तो मोहल्ले का नाम संत दाता पीरबहोर के नाम पर पड़ा, जिनका मजार आज भी दाता मार्केट से सटे है। संत दाता पीरबहोर शाह अरजान के समकालीन थे। अब बात करते हैं कंकड़बाग की। पटना के दक्षिण एरिया में स्थित शहर का विशाल मोहल्ला कंकड़बाग बना। इस नाम के पीछे भी एक इतिहास है। लाल बालू, मिट्टी, कंकड़ और झाड़ियों का यहाँ विशाल भंडार था, जिसके कारण इस इलाके का नाम कंकड़बाग के नाम से मशहूर हुआ। अब बात करते हैं लंगर टोली की। मछुआ टोली से सटे मोहल्ले जहाँ बरसात के दिनों में पानी लग जाता था, जिसके कारण लंगर वाले नाव चला करते थे, जिसके कारण इस मोहल्ले का नाम लंगर टोली पड़ा। अगर बात करें फ्रेजर रोड की, गांधी मैदान से पटना रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क फ्रेजर रोड का नाम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर AHL फ्रेजर के नाम पर साल 1906 में इस रोड का नाम फ्रेजर रोड पड़ा। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।